तो आज आप लोग को हेडिंग से पता चल गया होगा कि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है? ये कहता है सेंटर ऑफ मास इज़ ए पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ ए बॉडी सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। इसका कहना ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कोई भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ क्या करते हैं हम लोग ये मान के चलते हैं कि पूरे बॉडी का मास जो है कंसनट्रेटेड है, जमा है। पूरे बॉडी का मास जो है कहाँ जमा रहता है? सेंटर ऑफ मास पे। तो मीन इसका मीनिंग समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास जो ये डिफाइन करते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है और वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पूरे बॉडी का मास जमा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मार्कर है, अपने पास ये मार्कर है। अब अगर कहा जाए कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो इनका सेंटर ऑफ मास वहीं होगा जहाँ पे ये मार्कर बैलेंस होगा। बैलेंस होने का मतलब ये हुआ कि बॉडी वो जो मार्कर है, मार्कर का सेंटर ऑफ मास वहीं है, तब तो बैलेंस हो रहा है। क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं किससे? ग्रेविटी से। देखिए यहाँ पर करने पर मार्कर बैलेंस हो रहा है, मतलब मार्कर का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अच्छा, हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास ज़रूरी नहीं उसके मिड पॉइंट में। बॉडी के शेप के अनुसार जो सेंटर ऑफ मास है वो जो है क्या करता है? वेरी करता है, उसका पोजिशन चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए अगर ये मार्कर का कवर हटा दें, अब देखें तो सेंटर ऑफ मास जो है इसका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, जो पॉइंट है वो पॉइंट बदल जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का सीधा से मीनिंग ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास हम लोग उसको बोल सकते हैं जहाँ क्या हो, पूरे बॉडी का मास जमा हो, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये मीनिंग भी ये कहता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट। सेंटर ऑफ मास ये वह पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, वो पॉइंट है वेयर जहाँ द होल मास ऑफ ए बॉडी, जहाँ पूरे बॉडी का मास सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। हम लोग ये मान के चलते हैं कि पूरे बॉडी का मास जहाँ जमा हो वही सेंटर ऑफ मास, वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और जो आपको तुरंत अभी दिखा है, फॉर एग्जांपल ये अपने पास मार्कर है, अगर यहाँ देखा जाए तो अभी जो फिलहाल ये मार्कर का सेंटर ऑफ मास यहाँ है क्योंकि मार्कर यहाँ से बैलेंस हो रहा है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि जिस पॉइंट से अगर कोई बॉडी बैलेंस हो रहा है तो वो पॉइंट जो हो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि होल मास जो है सेंटर ऑफ मास पे है, जो होल मास है बॉडी का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे जमा है, तो जहाँ मास जमा है तो वहीं से तो बैलेंस होगा। मान लीजिए पूरा मास यहाँ जमा है तो क्या हम यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं? नहीं, ये ऐसे झुक जाएगा। तो जहाँ बॉडी का सेंटर मास है इसका मतलब है पूरे बॉडी का मास वहीं कंसनट्रेटेड है, और जहाँ बॉडी का मास कंसनट्रेटेड है जमा है और वहीं से हम उस बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पॉइंट है जहाँ पूरे बॉडी का मास जमा रहता है, ये है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। और ये मार्कर के थ्रू आप समझ गए होंगे। और ये जो ये पॉइंट है ये वैरी होता है। अगर आप कोई बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है ये पॉइंट वैरी कर जाएगा। जैसे मान लीजिए मार्कर अगर हम इसे टेढ़ा कर दें, या भी ये स्ट्रेट लाइन है, प्रकार से स्ट्रेट है सीधा है, अगर इसको हम टेढ़ा करके कर्व बना दें, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास वेरी कर जाएगा। वो जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कहीं और हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप किसी भी बॉडी का शेप चेंज करेंगे उसका सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सही से समझ में आ गया होगा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट।